बाबा रे बाबा, ऐसी ऐसी कहानियां निकल के आ रही हैं सामने इन बाबाओं की कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, धर्म के साथ, उसकी सोच के साथ, बाकी सोचों के साथ क्या हो रहा है, सनातन धर्म के साथ क्या हो रहा है, और सनातन धर्म ही नहीं, ऐसे तमाम धर्म हैं जो भारत को बनाते हैं एक ऐसा विश्व गुरु जिसके थॉट के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की बात है, उसके साथ क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। महाबहस में आज हम बात करेंगे फ्रॉड बाबाओं के बाप बाबा वीरेंद्र दास दीक्षित की। दिल्ली के विजय विहार इलाके में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम का एक आश्रम कई साल से चल रहा है। ये आश्रम बाबा वीरेंद्र देव का है जो खुद को भगवान कृष्ण बताता था। आश्रम में आने जाने के लिए सख्त नियम थे और सिक्योरिटी भी जबरदस्त थी, इसलिए किसी को पता नहीं था कि इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पढ़ाया क्या जाता है। बाबा वीरेंद्र देव और उसके कथित आश्रम का भांडा पिछले महीने फूटा। राजस्थान की एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को शिकायत दी कि वीरेंद्र देव ने आश्रम में उसके साथ रेप किया। पीड़िता का आरोप था कि वीरेंद्र देव आश्रम में लड़कियों का यौन शोषण करता है। आपने कितनी आपकी कितनी बच्चियाँ थी? चार के चारों को भेज दिया था। भेजे नहीं, ऐसा ज्ञान सुने तो इनके यहाँ का नियम है, कितने परिवार है तो सबको सुनना है, क्योंकि एक यदि स्वर्ग में जाए बाकी सब नरक में रहेंगे, तो आपका ये बनता है तो पूरे परिवार को लेकर आइए। अच्छा, उसमें लड़के मतलब आदमी भी रहते थे सिर्फ औरतें? मैं आदमी को ज्ञान सुनाएंगे, मेरा अंदर नहीं लेते हैं। बयान बदलने के लिए क्या बोलना है? कोई नहीं है, आदमी कोई नहीं है। बताइए इनकी कौन सी अच्छा करेगा वहाँ, जब हम खुद जाकर के इनकी जो सामने। वीरेंद्र देव के खिलाफ पुलिस ने कुछ नहीं किया तो पीड़ितों के घर वालों ने दिल्ली में एक एनजीओ से मदद मांगी। एनजीओ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए जांच का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर 21 दिसंबर को पुलिस ने वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम पर छापा मारा तो वहां 41 लड़कियां बंधक मिली। वीरेंद्र देव के आश्रम में अश्लील वीडियो से लेकर कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। के ऊपर सुसाइड के चार्जेस है और ये गायब है, तो इसको सामने आने की जरूरत है। साथ ही महिला आयोग ने उनको बताया कि किस तरीके से 8-9 आश्रम दिल्ली में चल रहे हैं इसके, तो जो ऑपरेशन हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा और हाईकोर्ट की वजह से इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि कल वहां से 41 लड़कियां बाहर निकली हैं, तो वो ऑपरेशन हर जगह पे इसके सारे आश्रमों पे होना चाहिए। पूरी जांच सीबीआई के पास चली गई है और हम सभी जानते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ एजेंसी होने के नाते वो बिल्कुल जस्टिस करेंगे, और एक आम आदमी भी समझ पा रहा है कि ऐसे कोई आश्रम होते नहीं है। हम भी समझ पा रहे हैं ऐसे कोई आश्रम नहीं होते, इसको आश्रम नहीं कह सकते, इसको कोई धर्म स्थल नहीं कह सकते, इसमें कोई भी ऐसी टीचिंग्स नहीं होती, तो जाहिर सी बात है सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। हाई कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि आध्यात्म के नाम पर नाबालिग लड़कियों को पिंजरे में कैसे रखा जाता था। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराने का आदेश दिया है। पर लगे आरोप बेहद गंभीर है। ये बात आई कि जी बाबा का वकील नहीं है तो बाबा जी को पेश करने के लिए कहा गया है, और कोर्ट ने कहा कि अगर उनको अगर कोई सफाई देनी है, अपने पक्ष में कुछ बात करनी है, और अगर ये स्पिरिचुअल ही है, इसमें कोई संदिग्ध कोई हालात वहां नहीं थे आश्रम में, तो आप सामने आए और अपना तर्क दें, और अपना अगर कुछ नहीं है और अगर आप छुप रहे हो भाग रहे हो तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तो कोर्ट ने अब 8 और उनके आश्रम है दिल्ली में, कोर्ट ने अपनी जो कमेटी बनाई है वकीलों की, उनको कहा है कि आज इनकी भी इंस्पेक्शन करें और इसकी रिपोर्ट तुरंत कोर्ट में दें। जी देखो, इस आश्रम में 2001 के बाद इस आश्रम में जो है गोरख धंधा होना शुरू हो गया था, जब ये पहली बिल्डिंग बनी हुई थी, जब से हम इसमें देख रहे हैं 2001 से मेरा से जुड़ाव है। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों से जो बाबा वीरेंद्र देवदास दीक्षित के पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिए कि इनके रिश्तेदारों को आश्रम में रखा गया, इनकी बेटियों को आश्रम में रखा गया, या फिर आश्रम में ये लोग खुद रहकर आए हैं। मैं इसे आश्रम नहीं बोलूंगा, ना इसे मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय बोलूंगा, ना मैं इसे
एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बोलूंगा, मैं साफ तौर पर इसे अय्याशी का अड्डा कहूंगा। इस अय्याशी के अड्डे में क्या क्या होता था, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आदरणीय राजकुमार शास्त्री जी हैं। राजकुमार शास्त्री जी धर्म गुरु हैं, मुझे देखना है कि ये क्या पक्ष रखते हैं। गिरजाशंकर त्रिपाठी जी हैं जो बाबा के यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि बाबा का क्या क्या गोरख धंधा था। और साथ ही साथ मेरे साथ कुछ पीड़ित जुड़े हुए हैं जिनका नाम मैं घोषित नहीं करूंगा, और हम अगले एक घंटे में जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है बाबा के आश्रम के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, क्या हुआ, आप अंदर रहती थी, नहीं रहती थी, या आपके परिवार का हुई रहता था? हम वहाँ आश्रम में रहते थे, जो कि जब बाबा आते थे तो मालिश वालिश करवाते थे, और अपने पास बुला के मतलब गलत काम करता था तो अपने मैंने उनके साथ गलत करता था तो तो आप बाहर कैसे निकले बेटा, आप कैसे निकल के आई वहाँ से? कहते हैं वहाँ से लोगों को जाने नहीं देते। हाँ, उधर जाने नहीं देते हैं, बंधक बना के रखते हैं। तो लेकिन हमने हमारे मम्मी मिले तो हमने मम्मी को बताया तो हमारी मम्मी कहने लगी कि अच्छे नहीं पढ़ाओ अभी मना अभी तो हम मना उनको परमिशन लेकर नहीं आई थी कि हम इनको लेने जा रहे, मना मिलने के हिसाब से आई थी। तो हमें हमने हम फिर हमारी मम्मी दो दिन के बाद हमें लेने आई, लेकिन हमें आने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती वहाँ पर रख रहे थे कि आप बाहर मत जाओ, मना आप बाहर जाओगे तो चंडाल बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, ये सब कह रहे थे। तो हमारी मम्मी ने कहा कि थोड़ा काम है, मैंने बैंक में पैसे वैसे निकलवाने हैं, तो फिर हमें आने दे, क्योंकि पैसे के नाम से ही आने देते, मना ऐसे कि आप कहो कि हम इनको ले जा रहे हैं तो ऐसे नहीं आने देते। पैसे जब मैंने किसी के पास पैसे होते हैं तो सोचते हैं कि बहुत बड़े आदमी है, तो उनको सिर्फ मना उनको ही सिर्फ आने देते हैं और किसी को नहीं आने देते। नहीं तो आपने कहा पैसे वालों को आने देते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कितने साल वहाँ पर रही और आपने क्या क्या देखा, अगर आप हमें बता सके तो। आपकी कोई मजबूरी नहीं है बताना। हमारे मैंने उधर तो मतलब जब वो मतलब हमको ऐसी दवाई दी जाती थी जो हम वो दूध के साथ मिला के देते थे कि वो कहते थे कि ताकत की दवा, लेकिन वो ताकत की दवा नहीं थी, उसको मतलब पीने से अलग से बेचारे अपना मन कंट्रोल नहीं रहता है तो हम मतलब वो उसे भूलने मतलब भूल जाते कि बाहर की दुनिया है भी या नहीं और माता पिता है भी या नहीं, तो उनको उनको ऐसे उनको अपने परिवार के ऊपर भड़काते कि मतलब उनको कहते कि आप मतलब उनको ऐसे बुलवाते हैं, वो अपने अपने फैमिली के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग अपनी फैमिली के खिलाफ बोलते हैं। आपका दिमाग इतना वॉश कर देते हैं, उतना साफ कर देते हैं, और दवाई खिलाते हैं। हाँ, दवाई दूध में मिला के पिलाते हैं। हाँ, और ऐसे पाउडर भी देते हैं। पाउडर भी देते हैं। हाँ, तो फिर आपने कभी मना किया उनको कि मुझे दूध नहीं पीना है, पाउडर नहीं खाना है? तो हमें तो मना करने से क्या, मना करते तो और वो डराते हैं और मारते भी है, मतलब बात में बंद कर देते हैं, तो इसी डर से सारे लोग मना पीते थे। और आपने कभी बाहर भागने की कोशिश की, आपकी माँ लेने आ गई? हाँ। आपने कहा कि पैसे निकालने इसलिए मुझे जाने दो। हाँ। लेकिन आपने कभी भागने की कोशिश की, और आपको वहाँ कैसे रखा जाता था, खुले कमरे में रखा जाता था या बंद कमरे में रखा जाता? हमको बंद कमरे में रखा जाता है, जहाँ जहाँ सारी लड़कियों को बंधक बना के रखते है, तो बड़ी 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 लड़कियां नहीं भाग सकती, तो हम लोग छोटे लोग कैसे भाग सकते उधर से?
तो कितनी उम्र की लड़कियां थी, सब बच्ची थी या बड़े लोग भी थे और वो दूसरा काम भी करते थे, कितने लोग रहते थे वहां पर, कुछ आपको आइडिया है? बड़े लोग भी रहते थे, मतलब जो उनकी शिक्षित वो थी शिष्य थी, और वो और छोटी कन्या भी रहती है उधर, कम से कम 230 ऐसे रहते हैं। अच्छा, मुझे 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 ये बताइए कि आपको कुछ पढ़ाया जाता था सुबह से, आपसे क्या करवाया जाता था, क्या करते थे आप लोग, दिन कैसे काटते थे आप लोग? जब मतलब ऐसे ही तो रात को 10 बजे सुला देते थे और 2 बजे उठा देते थे, मतलब 4 घंटे नींद सोने को देते थे। और उधर जो वो वीरेंद्र दीक्षित के फोटो याद करने को कहते थे, किसको याद करो, नशो मोह बन जाइए, सब कहते थे। और फिर उसके बाद काम करवाते थे, जो मतलब छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनको एक ग्रुप बना के काम करवाते हैं, और मतलब फिर उसके बाद काम कराने के बाद खाना वाना देते हैं, तो 2 रोटी बस देते हैं। और उसके बाद मतलब जितना जी मतलब जितने हिसाब से जी सके उतना ही खाना देते हैं, उससे अधिक नहीं देते हैं, उतना ही खाना देते हैं। हाँ। अब मुझे बताइए कि आपकी कहानी क्या है सर, आप कैसे कनेक्टेड हो? माय डॉटर वाज अबडक्टेड फ्रॉम हिंदी में, हिंदी में मेरा बेटी यूएस में रिसर्च एसोसिएट थे अमेरिका से, ऑल ऑफ ए सडन ड्यूरिंग जुलाई 2015 वो सडन दिल्ली से मैसेज आया कि हम दिल्ली में हैं, ऐसा कैसा है हमको कुछ नहीं पता नहीं है, बोले नहीं। अमेरिका में थी वो? अमेरिका में थी, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट थे, इंजीनियरिंग स्कॉलर है, वो पीएचडी हासिल करे। सर सडन ऐसा है कैसे बोले तो हमको नहीं, हम दिल्ली में हैं, आप आके मिल सकते बोले, हम आके मिल सकते तो आते ही वो 4 घंटे नीचे बिठाना, वो किधर है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते, बैठो 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 बोल के ऐसे जम रोते रहे, तो भी उतने बैठे 4 घंटे के बाद ऐसे ओनली पेरेंट्स मोर को अलाउ करते थे, कभी माँ आए तो माँ को अलाउ करते थे, वो सबके साथ बैठ के रहते थे ग्रुप में, ऐसे ऐसे स्टैचू जैसा, कुछ भी इमोशंस नहीं रहते थे, और आगे कुछ एक स्टेप दिए के रिसीव भी नहीं करते थे, वैसे वैसे ही बैठे थे, उनको चेयर दे तो वहां बैठना, उसको देख के हम पहचान गए कुछ ब्रेन वॉश करके रखे है, वो बहुत डेंजर है बोल के हम भी स्केलेटल कन्वर्सेशन करते थे, कैसे है बोलते कैसे, अच्छा ठीक है चाय पियो, उतना थोड़ा मम्मी सीखा फ्रैक्चर हो गया करो घर चले गए बोले तो नहीं नहीं मैं कुछ पेरेंट्स नहीं रहूंगा नहीं नहीं, फिर मैं बहुत रो रहा वैसा बोले तो सी नेवर कभी भी अपने दबाव से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के दबाव से अभी भी ज्यादा हो रहे वो कंट्रोल नहीं कर पा सके, वो अगर हमारे साथ आए तो थोड़े महीने के हमारे पास रहे तो वो अपना मेंटल स्टेटस ठीक हो जाएगा, वो समझ पाएगा वो माँ बाप क्या है। पर मुझे एक बात नहीं समझ आई कि आखिरकार वो अमेरिका से इस विश्वविद्यालय में कैसे पहुंच गई? हमें भी पता नहीं, आपका पूछा नहीं जब आप उससे मिले। हाँ कैसा है बोले तो कुछ भी नहीं, हम बोले ना हमसे आप सेफ है ना, यही बोलते रहते, मगर वो उसका उनके कंट्रोल में है ना, वो दबाव में है ना, उसके इशारों पे बात करते हैं, उसको कुछ भी दे तो उनको देख के लेते, वो तो भी नहीं खाते कम्प्लीट, हमको डर लग रहा है, उसलिए तो हम भी सेंसिटिव रहना बोल के उसको कुछ हो जाएगा तो उसका सेफ्टी देख के हम भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट रहते थे, कभी ना कभी थोड़ा बदल देंगे बोल तो कभी अभी रोज से रोज बढ़ते जा रहा वो ब्रेन वॉश, वो अगर हमारे पास आप आखिरी बार कब मिले उससे? कोर्ट में आए थे ऑर्डर दे तो कोर्ट में आए तो मिले तो वो सेम कंडीशन ऑफ ब्रेन वॉश पे कंडीशन में है, और ये कुछ भी अगर राइट हम समझे थे उसको राइट काउंसलिंग देना चाहते थे, इसी वॉज अंडर वो 2.5 साल से रॉन्ग काउंसलिंग में है, अगर हमारे पास रहे तो हम राइट काउंसलिंग देके थोड़ा मेंटल स्टेटस ठीक रहे तो हमारे पास जब माँ बाप से मिलने की कोशिश करेंगे हमारे साथ रहे तो आप तक वो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा। किस साल वो अमेरिका से एकाएक इस विश्वविद्यालय में लैंड हो गई? 2015 जुलाई yes. तो काफी रिसेंट टू एंड हाफ ईयर उसने कभी नहीं बताया कि वो कैसे आ गई, आए बोले तो कैसे हमको बोले नहीं, क्यों डेली इंटरनेट में देखता था, ऑल ऑफ ए सडन ये मैसेज आया तो हम आए थे, तो कोई परेशान यही से वो कंप्लीट कस्टडी में है। आपका क्या विरोध है बाबा से, आपके क्या हुआ आपके साथ, आपकी क्या कहानी है? बाबा गलत किया है और क्या हमारे साथ, पाठ पढ़ाता है भगवान का,
अच्छा लगता है, ज्ञान जब सुनाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है इस दुनिया में इसके अलावा ज्ञानी कोई नहीं है, सच में लगता है इसका भगवान का पाठ है, अपने को भगवान बनाता है, कहता है मेरा कृष्ण का पाठ है, मैं शंकर हूँ, इस तरह से ये पाठ पढ़ाता है। ब्रह्म कुमारियों का सहारा लेकर के उनका ज्ञान का सहारा लेता है, ताकि ब्रह्म कुमारियों से इससे कोई कनेक्शन नहीं है, उनकी मुरली उनका जो वाणी है अव्यक्त वाणी मुरली उनकी चुरा चुरा करके उसका खंडन करके स्वयं को भगवान बनाता है। हम लोग वहाँ थे ज्ञान में, वहाँ आप कहाँ किस आश्रम में रही है उसके? ओ विनंदे बाबा के जी, हम फरुखाबाद रहे, हम कंपिल रहे, हम दिल्ली आश्रम आए, हम जम्मू गए, हम लखनऊ गए, हम चंडीगढ़ गए, हम तो सेवाधारी थे, हम लोग का कन्या के पास नहीं रहने देते हैं। इसके बाद हम बहुत अंदर जाने की कोशिश की, सेवा करते रहे बाबा के, और हमको भी रहा कि जो कोई जितना ज्ञान उठाएगा उतना बड़ा राजा बनेगा, देवी देवता बनेगा, तो कौन ऐसा नहीं चाहता है। इस तरह से ज्ञान के आधार से सुन करके हमको अच्छा लगा, हम इस ज्ञान में आ गए। जब इस ज्ञान में आ गए जितना गहराई में घुसो तो ये क्या सिखाता है, बिल्कुल नष्ट मोह बना देता है। अपने परिवार से दूर रहो, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बप्पा मरे तो हलवा खाओ, माना खुशी का हलवा खाओ, और मरे कोई तो मर जाने दो, ऐसा पाठ पढ़ाता है। नष्ट मोह इस मृत्यु लब्ध, जो कोई नष्ट मोह कर लेगा वही अंत में मुक्ति मिलेगी उसको। ऐसे पाठ पढ़ा करके जितनी कन्याएं वहां रहती हैं, जिनको ऐसे बोले कि ये कैसे वहां आ गई हैं, तो जो इनके जिज्ञासु जुड़े हुए हैं बाबा से, वो बाहर जा जा करके सेवा करते हैं। उनको बताया जाता है कि आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना ही बड़ा राजा बनेंगे, ये बताया जाता है। हाँ, ये बताया जाता है। 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, 7 दिन के कोर्स में हर धर्मों को जोड़ करके ये पता नहीं कैसे बना देता है कि वहाँ सुनकर के स्वयं लगता है कि सच है ये ज्ञान। ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद जब इसके अंदर घुसो, करीब घुसो, तो ज्ञान से जस्ट विपरीत कार होता है, जस्ट विपरीत काम होता है। राजकुमार शास्त्री जी, इतना सब कुछ सुन लिया, मैं आपको बाबा के प्रवचन भी सुनाता हूँ। ये तथाकथित पाखंडी ढोंगी सीरियल रेपिस्ट क्या कहता था तथाकथित प्रवचन के नाम पर, आइए पहले वो सुनते हैं। देह का सुख भी लेना है तो बाबा कहते याद में लो, बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोग भोग इंद्रियों की, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जो बाप की बच्चियां होती हैं, क्या बच्चियां, वो बच्चियों के साथ ऐसा कनेक्शन भी होता है तो पति कहा जाता है, जैसे विश्वपति। तो देखिए विश्वपति, कोई ऐसा शब्द सुना है आपने राजकुमार शास्त्री? देखिए दीपक जी, आपने जो बाबा की प्रवचन की बात कही वह निश्चित रूप से धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, और इस प्रकार से विश्वपति तो केवल भगवान श्री हरि नारायण है, जिसको जगत पति या जगत पिता कहा जाता है, और भगवती लक्ष्मी को जगत माता कहा जाता है। तो लेकिन यहां पर जिस प्रकार से आपने जो गेस्ट बुलाए हैं और ये यहां पर बैठे हुए हैं, इनकी जो वक्तव्य है, इनको भी मैं काफी समय से सुन रहा था और मनन भी कर रहा था। इनकी बातों से जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार से है कि ये वहां पर काम करने के लिए या ज्ञान को अर्जन करने के लिए वहां पर। अरे तो ये ज्ञान है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट, आज जो हाईकोर्ट ने कहा है वो ज्ञान है क्या? मुझे बताइए, वो तो कौन सा ज्ञान है? तो लड़कियों को पिंजरे में रखा जाए, कौन सा ज्ञान है कि विश्वपति बोला जाए, कौन सा ज्ञान है कि बेटी के बाप से जो रिलेशन होगा वो पति का होगा? ये इसका निष्कर्ष है। मैं उसके प्रवचन, मैं तो बाबा के प्रवचन का खंडन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ धर्मशास्त्र विरुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, बरगला रहे हैं दुनिया को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रवचन सही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन आपको ये परमात्मा को आपको आ गया है, आप कहेंगे कि बाबा गलत है, आप कहेंगे कि नहीं बाबा गलत है? नहीं बाबा, मैं कह रहा हूँ कि जगत पिता केवल परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा कोई जगत पति नहीं है। पति का मतलब होता है जो पालन पोषण करता है, और वह केवल पालन पोषण करने वाले ईश्वर है, भगवान है। इसके अलावा कोई इंसान किसी का पालन पोषण नहीं करता है, व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही अपना पालन पोषण करता है, और अपने कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है, कर्म के अनुसार वह बंधा हुआ संसार से चला जाता है।
तो कौन सा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का खंडन कर रहा हूं? मुझे ये बताइए कौन से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वो है जिसको आप लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, चलने दो इसको। आप तो बाबा के समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं देखिए, मैं बाबा का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा और मैं उसको सनातनी भी नहीं मान रहा है, क्योंकि उसका संबंध ब्रह्मा कुमारी के साथ मार मार भगाया ब्रह्मा कुमारी। आज ब्रह्मा कुमारी बताया आप ये देखिए 1969 से वो ब्रह्मा कुमारी के नाम पर विश्वविद्यालय चला रहा था, तो आज तक ब्रह्मा कुमारी ने ब्रह्मा कुमारी के नाम पर क्यों आध्यात्मिक विश्वविद्यालय? 7 बजे से हम इस बहस को जारी रखेंगे। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है, 7 बजे से हम इस खबर को जारी रखेंगे। हम इस खबर में आपको बताएंगे कि बाबा का पाप कांड क्या है, बाबा का पाप कांड क्या है, बाबा किस तरह से ढोंगी है, बाबा किस तरह से पाखंडी है, और आश्रम में वो क्या क्या करता था इन नाबालिग लड़कियों के साथ। 7 बजे से आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे।